हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैकलॉग क्लियर करने की इफेक्टिव स्ट्रेटजी के बारे में। तो यार, बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसका पीछे का सिलेबस क्या है, उस पर आगे वाले सिलेबस के लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। और जब उसकी यार बैकलॉग क्लियर नहीं होती है तो फिर यार उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आता है। यार वो सोचता है कि यार अब क्या करूँ। तो यार, अगर तुम्हारे ऊपर भी ऐसा बर्डन आ रहा है बैकलॉग क्लियर करने को लेके, तो यार तुमको मैं एक ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसमें तुम अपनी बैकलॉग को बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो तुमको क्या करना है। तुम अपने करेंट टाइम में जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को पढ़ने का थोड़ा पैटर्न चेंज करो। देखो, पढ़ने का पैटर्न तुमको देखो क्या रखना है। देखो, तुमको पढ़ने का पैटर्न रखना है कि जैसे तुमको आज एक कोई टॉपिक पढ़ाया गया, तो तुमको क्या करना है, सेम डे पर उस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना है। सेम डे पे उस टॉपिक को जरूर और जरूर स्टडी करना है। अब सेम डे के बाद तुम नेक्स्ट डे उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो। नेक्स्ट डे तुम फिर से उस चैप्टर को रिवाइज करो इन द मॉर्निंग। फिर क्या करो, तुम फिर तीसरी बार अपनी कोचिंग जाने से पहले, क्लास अटेंड करने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करो। तो तुमको क्या करना है, जो करंट टॉपिक है उसको एक बार जिस दिन पढ़ाया गया है उस दिन शाम को रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट डे तुमको मॉर्निंग में रिवाइज करना है। फिर तीसरी बार तुमको तब रिवाइज करना है जब तुम अपनी कोचिंग जाने वाले हो उस सब्जेक्ट के लिए। जब तुम तीन बार रिवाइज करोगे तो जो करंट के टॉपिक हैं वो तुम्हारे बैकलॉग नहीं बनेंगे, वो तुम्हारे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, वो सारी चीज़ तुमको समझ में आएंगी। और जब तुम नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो नेक्स्ट क्लास में जो तुमको पढ़ाया जाएगा वो तुमको समझ में भी आएगा। फिर नेक्स्ट क्लास लेने के बाद फिर से तुमको यही प्रोसेस रिपीट करना है। नेक्स्ट क्लास जब तुमने अटेंड करी तो फिर से इवनिंग में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट डे तुमको मॉर्निंग में पढ़ना है। फिर क्लास अटेंड करने से पहले पढ़ो, तीन बार फिर से रिपीट करना है। और ये प्रोसेस कब तक करोगे, जब तक करोगे जब तक तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इससे तुम्हारे करंट टॉपिक की तो बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यार, जो पहले बैकलॉग बन चुकी है, अब उसके लिए क्या करना है। तो यार देखो, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम उसके लिए सिर्फ एक घंटा निकालो। तुम इसके लिए क्या करो, सिर्फ एक घंटे का टाइम निकालो। तुम क्या करो, जैसे तुम्हारा फिजिक्स है, तुम्हारा केमिस्ट्री है, तुम्हारा मैथ है, तो तुम क्या करो, अपनी बैकलॉग के लिए एक घंटे फिजिक्स के लिए, एक घंटे केमिस्ट्री के लिए, एक घंटे तुम्हारे मैथ के लिए, ये तुम निकालना स्टार्ट करो। और पर डे बेसिस पर तुम क्या है, स्टार्टिंग से सिलेबस को उठाओ और थोड़ा थोड़ा क्या तुम पढ़ना स्टार्ट करो। जब तुम स्टार्टिंग थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे तो यार तुम्हारे टॉपिक्स क्लियर होना क्या है बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगे। और तुम्हारा एक कंप्लीट रिवीजन है वो तुम्हारा क्या होता जाएगा, और तुम्हारी जो बैकलॉग है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। और यार अगर तुम ये सोचते हो कि यार एक दिन मैं 5 घंटे पढ़ लूँ, एक चैप्टर ख़त्म कर लूँ, तो यार वो थोड़ा क्या तुमको प्रॉब्लम करेगा। तुम अगर यार ये सोचते हो यार एक ही घंटे में यार क्या हो जाएगा, तो यार एक घंटे में बहुत कुछ हो जाता है। बस एक घंटा तुम सही तरीके से यूटिलाइज करो। देखो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं यार, मोबाइल पकड़ लिया, सामने मोबाइल रखा है, इधर बुक रखी है, पढ़ने में लगे हुए हैं। तो यार जब तुम मोबाइल तुम्हारा इधर है, तुम पढ़ने में इधर लगे हो, तो यार तुम पढ़ किससे रहे हो, तुम यार बुक से पढ़ रहे हो ना। तो मोबाइल को सामने रखने की क्या जरूरत है, मोबाइल को साइड में रखो ना। मोबाइल की अगर नीड पड़ेगी तो हम एक घंटे पढ़ने के बाद जो चीज़ें प्रॉब्लम करेंगे उसको मोबाइल से बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ते समय मोबाइल को यूज़ नहीं करेंगे, पढ़ते समय मोबाइल में चीज़ों को नहीं देखेंगे। और यार अगर तुम देखोगे तो यार जानते क्या होगा, तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और तुम पढ़ोगे कम टाइम। तो यार ये प्रॉब्लम से तुमको दूर रहना, तो तुमको एक घंटे प्रॉपरली पढ़ना है। काफ़ी बच्चे ये भी करते हैं यार, वो कानों में डाली लीड, हाथ में पकड़ा फ़ोन, हाथ में पकड़ी बुक, पढ़ना स्टार्ट है, फोन अपना गाना कान में बज रहा है, उनको लग रहा है कि यार सब कुछ आ रहा है माइंड में। लेकिन यार रियल में क्या होता है, जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो यार उनके क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि यार तुमको तो लगा था यार तुम पढ़ रहे थे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ तो स्टोर नहीं हुआ, यहाँ तो तुम्हारा गाना चल रहा था। तो यार ये सब चीज़ें हैं जिनको तुमको अवॉइड करनी पड़ेगी। और कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहते हैं यार आराम से पढ़ेंगे, वो कुछ नहीं तो वो लेटे लेटे पढ़ रहे हैं। तो यार लेट के बंदा कब पढ़ता है,
लेट के बंदा तब पढ़ता है जब उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे उसके क्या है बैक में पेन हो रहा हो, उसके हाथ पैर में दर्द हो, तब वो लेट के पढ़ता है यार। जब यार तुम पूरा तरीके से यार सही हो तो यार बैठ के पढ़ो ना, बैठ के नहीं पढ़ोगे तो यार कैसे तुम सोचते हो तुम कॉन्सेंट्रेट बना पाओगे अपनी स्टडी पे? जब तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन स्टडी पे नहीं हो तो यार कैसे तुम सोचते हो कि यार तुम जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ पाओगे? तुम यार जेई मेन का एग्जाम दोगे, तुम जेई एडवांस का एग्जाम दोगे और उसका तुम कैसे सोचते हो यार तुम अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे? तो यार चीज़ें इतना ज़्यादा आसान नहीं होती हैं। तो यार तुमको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, तुमको अपने बैकलॉग को क्लियर करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। और यार वही तुम्हारा सिस्टमेटिक वे तुमको क्या सक्सेस प्रोवाइड करेगा। और यार कुछ भी तुमको प्रॉब्लम होती है तो यार नीचे कमेंट और से कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।